आखिर कौन जीतेगा अगर हो जाए इन तीन महायोद्धाओं में युद्ध। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से प्रमुख रूप में अर्जुन और कर्ण को देखा जा सकता है। साथ ही रामायण में भी लक्ष्मण को प्रमुख रूप में दिखाया गया है। अगर यह आपस में लड़े और उनकी शक्तियों के माध्यम से देखा जाए तो कौन होगा इनमें से अधिक शक्तिशाली। तो आज हम आप लोगों को इन्हीं तीन योद्धाओं के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन है इनमें से अधिक शक्तिशाली। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीन महाशक्तिशाली महायोद्धाओं के बारे में और उनकी शक्तियों के बारे में। दोस्तों, अब जानते हैं अर्जुन की शक्तियों के बारे में। कहानी के अनुसार अर्जुन के पराक्रम और तेज के अनुसार हर कोई अर्जुन की ओर आकर्षित हो जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अर्जुन जैसा तेज किसी भी पांडव में नहीं था। व्यक्तित्व का यही तेज अर्जुन को दूसरों से अलग बनाता था। कहानी में कई जगहों पर अर्जुन के धैर्य का जिक्र है। धैर्य को अपनाकर अर्जुन ने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मनुष्य धैर्य को अपनाते हैं वह अपने आप में ही महान व्यक्ति होते हैं। अर्जुन शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल के लिए भी जाने जाते थे। कहानी में इस बात का भी जिक्र है कि मानसिक बल यानी कि चतुर नीतियों को अपनाकर अर्जुन ने कई युद्ध जीते थे। अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुधर कोई नहीं था। अर्जुन जितनी तीव्रता से बाण चलाते थे इतनी तेजी से कोई नहीं चला पाता था। यही गुण अर्जुन को श्रेष्ठ धनुधारी बनाता था। पौराणिक कहानी के अनुसार महाभारत के युद्ध में जिस वक्त इस बात को लेकर अर्जुन दुविधा में थे कि वह अपने भाइयों पर कैसे बाण चला सकते हैं, तब उन्हें श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देकर समझाया था कि सब मोह माया छोड़कर तुम अपना कर्म करो और इस वक्त तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो। महाभारत में श्री कृष्ण के उपदेश के पश्चात विशालता का गुण आया था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण से इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद अर्जुन ने जितना भी युद्ध लड़ा उसमें एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। अर्जुन किसी बात से दुखी नहीं हुए। अब जानते हैं महान और महादानी योद्धा कर्ण के बारे में। दोस्तों, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उनके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोक अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कर्ण को कुंडल और कवच के बदले में दिया था। अमोक अस्त्र को देते समय इंद्र ने उससे कहा था कि तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो और तुम इसे जिस पर भी चलाओगे उसकी मृत्यु निश्चित ही होगी। कर्ण इस अमोक अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता था। दोस्तों, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और भीष्म पितामह को ही ब्रह्मास्त्र चलाना आता था या किसी के छोड़े जाने पर उसे असफल कर देना था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या चलाना सिखाने से मना कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम जी ने यह प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण इसे सीखना चाहते थे तो वह परशुराम के पास पहुँच कर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया था और उनसे विद्या सीख ली। फिर एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे, तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। तभी कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को स्पर्श किया तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा,
कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, तुम सच सच बताओ। कर्ण ने सच सच बता दिया और परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया, तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह तुमने झूठ बोलकर सीखी है, इसीलिए जब विद्या की तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उसको भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। जब कर्ण को ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता थी तब वह इसका संधान करना भूल गए थे। दोस्तों, एक बार कुंती कर्ण के पास गई थी और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैं अब तक का जीवन बिताया है उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा, क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा के साथ वचन दिया कि माँ, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर अपने अन्य भाइयों पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अब अंत में जानेंगे भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के बारे में। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के जीवन की कहानी है। श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण एक महान योद्धा थे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। दशरथ की तीन पत्नियां थीं। महर्षि श्रृंगी ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्धि चारों दिए थे, जिन्हें खाने से इन चारों राजकुमारों का जन्म हुआ। कौशल्या और केकई द्वारा प्रसाद फल आधा आधा सुमित्रा को देने की वजह से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से राम और केकई से भरत का जन्म हुआ। दोस्तों, राम लक्ष्मण सहित चारों भाइयों के दो गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा नियुक्त वहां ताड़का, बाहु और मारिक्ष जैसे राक्षस उनके यज्ञ में बार बार बाधा उत्पन्न करते थे। विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग कर ले आए थे। दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र ने ही अपनी विद्या राम को प्रदान की थी और उनका विवाह मिथिला में सीता से संपन्न कराया। दोस्तों, भगवान राम को जहां विष्णु का अवतार माना जाता है वहीं लक्ष्मण को शेष अवतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेष नाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। शेष नाग भगवान विष्णु की सैया हैं। दोस्तों, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था लेकिन वह प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वह भी राम के साथ वनवास में चले गए। लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए 14 वर्षों तक अपनी पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का जीवन जिया। वाकई में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से कहीं अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर केवल उन्होंने श्री राम की सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाया। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन करना ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमानजनक शब्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। वन में रहते समय लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध किया था, साथ ही रावण की बहन सुपर्णखा की नाक उन्होंने काटी थी। कहते हैं कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास के समय ब्रह्मचारी रहे, अनाहार रहे और सोए नहीं थे। साथ ही उन्होंने माता सीता के चरणों के अलावा कभी भी उनका मुख नहीं देखा था। तो दोस्तों, लक्ष्मण रेखा का जिक्र रामायण का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण के अनुसार वनवास में सीता के आग्रह के कारण भगवान राम स्वर्ण मृग हिरण का अखेट करने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राम की सहायता हेतु आवाज सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती हैं। वे लक्ष्मण को उनके पास जाने के लिए कहती हैं, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं
कि यह किसी मायावी राक्षस की आवाज है, राम की नहीं। लेकिन सीता माता नहीं मानती हैं। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता माता से कहा कि तुम किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार मत करना। लेकिन तपस्वी के भेष में आए रावण के झांसे में आकर माता सीता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा को पार कर दिया, जिस वजह से रावण उनका अपहरण कर ले गया। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से तो इनमें से सबसे शक्तिशाली योद्धा लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के लिए अपने ग्रस्त जीवन को त्याग दिया। आपके हिसाब से कौन है सबसे शक्तिशाली योद्धा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।